दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा क्रीमी वर्म है टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की। कपड़ा सुखाने तथा दूध में मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय के सिद्धांत पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 446 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। पदार्थ का लघुतम अंश क्या है? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकरण निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन और शीशा का। सूर्य किरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। नहीं, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्ण के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। और यहाँ पे सूर्य के प्रकीर्ण के कारण अंतरिक्ष में जो आकाश दिखाई देता है या फिर जो आपको आकाश दिखाई देता है वो नीला दिखाई देता है। तारों के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्व आंतरिक परावर्तन है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भूस्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग से। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग से। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड करता है। बिजली के बल में प्रयोग किया जाता है अवक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का गति धीमी होता है हवा में। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, न्यूक्लियर फ्यूजन। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जाँच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के 1/6 भाग है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। अदिश राशियां है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चार्ज। सदिश राशि है त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। सदिश राशि मतलब वेक्टर और अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। लाल का सबसे ज़्यादा और बैंगनी का सबसे कम। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के।
वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अभिक्रिय गैस है रेडॉन। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफिक में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। जल को अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में का घुले रहना है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटासियम क्लोराइड के द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा निकल क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। हड्डियां और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। शोल्डर टांग का मिश्रण रहता है सीसा एवं टीन का। धन्यवाद।